गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट ऑनलाइन क्लास में हमने ईमेल अकाउंट करना सीखा था। इस ऑनलाइन क्लास में हम आज ईमेल की जो विंडो होती है पूरी, उसके अंदर कौन कौन से बटन्स होते हैं और उसके क्या क्या यूजेस होते हैं, उसके बारे में हम सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अभी जो फोटो आप देख रहे हैं उसके अंदर आपको याहू मेल की एक्टिव टैब, वेब ब्राउज़र में जो एक्टिव टैब है, यानी कि याहू का वेब पेज आपके कंप्यूटर पर ओपन है, वो एक्टिव टैब में आपको दिखा रहा है। उसके बाद आप टाइटल बार देख सकते हैं, फिर एड्रेस बार देख सकते हैं, फिर यू कैन सी मेनू बार, फिर आप नेम देख सकते हैं, उसके बाद आप साइन आउट का बटन भी देख सकते हैं। अगर हम नीचे की ओर आते हैं तो आपको एक लेफ्ट साइड की एक पेन दिखती होगी, उसके अंदर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, स्पैम, ट्रैश, ये सारे लेबल्स आपको मिल जाएंगे। उसके ऊपर आपको कंपोज का बटन भी आपको मिल जाएगा। फिर राइट साइड का जो वाइट कलर का एरिया है वो एकदम ब्लैंक है, ताकि आपको पता चले कि अभी वहाँ पर कोई भी ईमेल आपके अकाउंट में आया हुआ नहीं है। तो वो जो वाइट कलर का एरिया है उसको हम मैसेज पेन बोल सकते हैं। फिर लेफ्ट साइड की जो पेन के नीचे का पार्ट है, माय फोल्डर का पार्ट, वो भी आप देख सकते हैं कि ब्लैंक है, तो उसको हम फोल्डर्स पेन बुला सकते हैं। फिर इनबॉक्स, ड्राफ्ट, सेंट, स्पैम, ट्रैश के फोल्डर्स हैं सारे, तो वो उसको हम फोल्डर्स बोल सकते हैं। तो ये था याहू मेल के विंडो का अंदर का पार्ट। ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार यू कैन सी थ्री बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन एंड क्लोज। Click on minimize button to minimize the window. The window disappears from the desktop. Now you can see only the icon button of Internet Explorer on the taskbar. Minimize button को press करने से आपकी जो window है वो desktop पर से disappear, यानी कि अदृश्य हो जाएगी, और वो नीचे की ओर इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्वरूप में वो टास्क बार पर समा जाएगी, ताकि आपको पता चलेगा कि ये आपकी ईमेल की विंडो है। अगर आपको उसको फिर से ओपन करना है तो सिर्फ वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो आइकॉन बटन है नीचे की ओर, उसको आप प्रेस करेंगे तो वापस से वो आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी। क्लिक ऑन रिस्टोर डाउन बटन टू मेक द विंडो स्मॉलर। In the smaller window, this button changes to maximize button. Window को छोटी बनाने के लिए restore down button के ऊपर क्लिक करिए। जैसे ही window small हो जाएगी, वो restore down का जो button है वो maximize के button के स्वरूप में अपने आप बदल जाएगा। Click on maximize button to see the window in its original size again. Click on close button to close the window. On the left hand corner of the address bar, you can see two buttons, back and forward button. Click on back button to go back to the folder you opened before the current one. अगर आपको अभी जहां पर जो भी फोल्डर में आप हैं, उस फोल्डर के पहले वाले फोल्डर में अगर आपको जाना है तो आपको बैक बटन का यूज करना होगा। क्लिक ऑन फॉरवर्ड बटन टू गो टू द फोल्डर यू हैड ओपन बिफोर यू यूज्ड द बैक बटन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेनू बार। द मेनू बार कंटेन्स द मेन मेनूज लाइक फाइल, एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स एंड हेल्प। मेनू बार के अंदर फाइल,
एडिट, व्यू, फेवरेट्स, टूल्स और हेल्प के मेनूज होते हैं। दीज मेनू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट आर यूजफुल व्हेन यू आर सेंडिंग और रिसीविंग ईमेल। ये सभी मेनू के अंदर ऐसी कमांड्स होती है जिसका यूज़ आप ईमेल को सेंड करने के वक्त या ईमेल को रिसीव करने के वक्त यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एक्टिव टैब। द एक्टिव टैब शोज द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर और द करंट पेज ऑफ योर ईमेल। एक्टिव टैब आपको अभी जो फोल्डर में आप हैं वो फोल्डर का नाम आपको दिखाएगा या जो भी पेज में आप ईमेल के जो भी पेज में है उसका नाम आपको एक्टिव टैब में दिखाई देगा। नोट द चेंजेस इन द एक्टिव टैब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ओपनिंग अ फोल्डर एंड आफ्टर द फोल्डर हैज़ बीन ओपन्ड। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज फोल्डर टैब। द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर appears as a small tab just below the active tab. On the left pane of the email window, you can see a list of folders for your emails. The open folder appears highlighted in the list and also as a tab just below the active tab. Email window ke andar left side ka jo pane hai उसको हम फोल्डर्स पेन कहेंगे, जिसके अंदर इनबॉक्स, ड्राफ्ट्स, सेंड, स्पाम और ट्रास नाम के फोल्डर पड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। जो भी फोल्डर आप ओपन करोगे वो आपको हाईलाइट करके दिखाया जाएगा। जैसे कि हमारे इस फोटो के अंदर इनबॉक्स का जो फोल्डर है उसको ओपन किया हुआ है, तो उसको हाईलाइट करके भी दिखाया गया है। Inbox folder contains all emails received. Inbox folder के अंदर जितने भी ईमेल आपने रिसीव किए होंगे, आपको मिले होंगे, वो ईमेल उसके अंदर रहेंगे। उसके बाद आता है drafts का फोल्डर। Drafts contains email which are written but not sent. ऐसे ईमेल होंगे जो आपने टाइप किए होंगे लेकिन आपने किसी को सेंड नहीं किए होंगे, ऐसे ईमेल ड्राफ्ट के फोल्डर के अंदर रहेंगे। देन थर्ड इज सेंट फोल्डर। सेंट कंटेंस ऑल ईमेल्स सेंट। जितने भी ईमेल आपने भेजे हैं दूसरे को, उसका जो डेटा है वो सेंट फोल्डर के अंदर रहेगा। देन स्पाम फोल्डर कंटेंस अनवांटेड ईमेल्स लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। जितने भी जाहिरात के लिए जो भी ईमेल्स आएंगे वो स्पाम फोल्डर के अंदर रहेंगे। एंड लास्ट फोल्डर इज ट्रैश। ट्रैश फोल्डर कंटेंस डिलीटेड ईमेल। जितने भी ईमेल आप डिलीट करेंगे वो ट्रैश फोल्डर के अंदर रहेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेटस बार। स्टेटस बार डिस्प्लेज द करंट स्टेटस ऑफ योर ईमेल एक्टिविटी। स्टेटस बार आपकी ईमेल की जो करंट एक्टिविटी होगी, अभी की एक्टिविटी, वो आपको स्टेटस बार के ऊपर दिखाया जाएगा। व्हेन एन एक्शन और एक्टिविटी इज कंप्लीटेड यू विल सी द वर्ड डन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्टेटस बार। यू कैन ऑल्सो सी द कनेक्टिविटी आइकॉन विच इज डिस्प्लेड व्हेन यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जैसे ही आपकी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी, आप स्टेटस बार में डन का शब्द प्रयोग किया हुआ आपको देखने को मिलेगा। उसका मतलब है कि आपका एक्शन या काम जो भी है वो कंप्लीट हो गया है। और राइट साइड के ऊपर आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी का सिंबल भी देखने को मिलेगा। उससे आपको पता चलेगा कि आप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हैं कि नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोज नेम एंड साइन आउट। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द विंडो क्लिक ऑन कंपोज टू राइट एन ईमेल एंड सेंड इट।
The right hand side of the window displays the user's first name with which the email account was opened. Click on Sign Out to sign out of your email account. When you sign out, you will go to the homepage of Yahoo. जैसे ही आपने ईमेल के अंदर अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है, अगर आपको ईमेल अकाउंट से बाहर निकलना है तो आपको साइन आउट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप वो बटन क्लिक करेंगे आप ईमेल अकाउंट से बाहर निकल जाएंगे और याहू के होम पेज में आप पहुंच जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के ऑनलाइन क्लास में इतना ही। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में हम साइन इन, कंपोज एंड सेंड एंड ईमेल से समझने की शुरुआत करेंगे। तब तक गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।